गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन 4 से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसमें कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है, किस प्रकार का नंबर प्राइम नंबर होता है, तो किस प्रकार के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, नेचुरल नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स आर प्राइम नंबर। तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन 4 का। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है राइट टू प्राइम नंबर्स हुज सम इज ऑड। आपको दो प्राइम नंबर ऐसा लिखना है जिसको सम करने पे एक ऑड नंबर आए, ठीक है। तो ऐसा दो प्राइम आप नंबर क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो प्राइम नंबर 2 and 3। क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, जो कि क्या है, ऑड है, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर आपको लिखना है जिसका सम क्या हो, एक ऑड नंबर हो, तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 जो कि एक ऑड नंबर है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 लिखा हुआ है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में आपको सारे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो 90 और 100 के बीच में कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे, तो सबसे पहले ये जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 90, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको लिखने हैं, तो क्या क्या हो सकता है 90 और 100 के बीच में, तो एक तो हो सकता है 91 हो सकता है, ठीक है, 91, क्योंकि ये किससे कट जाएगा, 7 से कट सकता है, इसलिए 91 भी हो सकता है। इसके वजह से क्या हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, 94 हो सकता है, 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, लेकिन 97 नहीं होगा, क्योंकि 97 जो है वो कट जाता है, ठीक है, 97 किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, इसलिए 97 जो होगा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। और ये हो सकता है क्या, 98 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 99 हो सकता है। तो इतने सारे कंपोजिट नंबर्स आपको मिलेंगे 90 और 100 के बीच में, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला लिखा है नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। नंबर्स 5, 7, 11, 13, 15, 27 एसेट्रा आर कॉल्ड, ये कौन से नंबर हैं, देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो 2 से जो डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ऑड नंबर। ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ जिसके दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम कौन सा नंबर कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर इज, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो सबसे स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो वो क्या है, 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड, दो प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस 2 हो उसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम, क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। ये आपको हम एक्सप्लेन किए थे, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज, दो प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, क्या होते हैं, को प्राइम, क्योंकि इसके जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं वो केवल 1 मिलते हैं, इसीलिए ये को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।